सोलन के सलोगड़ा के समीप एक व्यक्ति सरकारी सीमेंट से अपना निजी घर बना रहा था, जिसकी खबर सोलन पुलिस को लगी। पुलिस ने सरकारी सीमेंट को निजी स्वार्थ के लिए उपयोग करने में लाने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है और उसे न्यायालय में पेश किया गया। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए व्यक्ति का खुलासा नहीं किया है कि उसने आखिर ये सीमेंट किससे खरीदा और कितना खरीदा। अगर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है तो किसी सरकारी कर्मचारी पर भी इसकी गाज गिर सकती है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार शर्मा ने बताया कि सलोगड़ा के समीप एक व्यक्ति अपना घर सरकारी सीमेंट से बना रहा था, जिसकी सूचना उन्हें प्राप्त हुई और उनकी टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि वहां सीमेंट की 17 बोरियां भरी हैं और 35 बैग खाली पड़े हैं। फिलहाल पकड़ा गया व्यक्ति राजेंद्र सिंह है, जो कोटखाई का रहने वाला है और वे अपना मकान बना रहा था, जिसे न्यायालय में पेश करने के बाद 2 दिन का रिमांड पुलिस को मिला है। पिछले कल हमें सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति जो है वो सलोगड़ा के पास एक मकान बना रहा है और उसमें सरकारी सीमेंट का प्रयोग किया जा रहा है। इस पे सूचना मिलने पे तुरंत पुलिस की टीम वहाँ भेजी गई तो वहाँ पाया गया कि एक मिस्टर राजेंद्र सिंह हैं, जो बेसिकली कोटखाई के रहने वाले हैं और यहाँ पे सलोगड़ा में ये मकान बना रहा है, और उसके पास से हमें 17 बैग भरे हुए सरकारी सीमेंट के और 35 बैग खाली सीमेंट के मिले हैं। इसमें पुलिस ने 379 और 411 IPC के तहत केस दर्ज किया है। इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है पिछले कल। आज इसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था, जहां से 2 दिन के पुलिस रिमांड पे इसको लिया गया है और फर्दर जांच हर एंगल पे जारी है कि कहां से इसने सीमेंट लिया है और कौन इसके पीछे।